SN14G2 का इंजेक्टर। ओके मीडियम वाली दे दो। इसका अभी इंजेक्टर नंबर 5 एडजस्ट करेंगे, जिसका चार्ट है पुली पे ना मार्क बी आएगा, उसमें हमने 5 एडजस्ट करना है। उसी टाइम हम वाल भी एडजस्ट कर सकते हैं 5 के, अभी पुली पे हमने मार्क चेक करना है। घुमाते रहो शाहरुख, देखिए बी पे क्या आया, हटा जरा, ये मार्क है अपने हिसाब से, बिल्कुल इसके सामने करना होता है। बी पे भी बी तो करना, मार्क हमारा बी है, इस पे 5 एडजस्ट करेंगे, 5 में दोनों वाल फ्री होंगे। सही मनीषा, इस टाइम इंजेक्टर नीचे की तरफ दब रहा होगा, इधर हमने इंजेक्टर सेट करना है, लूज करना है। चार्ट लाए थे बना, हाँ चार्ट बनाया था। चल मनीषा शुरू हो, स्टार्टिंग का नॉर्मल टच है, ठीक है, लास्ट नीचे फुल नॉर्मल टच है। अब इधर से 120 डिग्री, ये हमने पहले से मार्क किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये यह मार्क 120 हो जाएगा, 120 लूज होगा, ये हमारा 120 डिग्री बन गया।
इधर से टाइट कर देंगे। अभी इसके नंबर 5 के वाल भी एडजस्ट करेंगे। लो फिलर ये दो, इंटेक 14 है और एग्जॉस्ट 27। इसी तरीके से वन बाय वन हम इसे पुली को घुमाएंगे, ठीक है। जब मार्क ए आएगा तो नंबर वन फायरिंग पोजीशन पे होगा, तब नंबर वन इंजेक्टर एडजस्ट करेंगे। इसी तरह दूसरी बार जब घुमाएंगे नंबर ए मार्क आएगा, नंबर सिक्स को एडजस्ट करेंगे, उस टाइम नंबर सिक्स वाल्व लूज होंगे। सेम जैसे फायरिंग आर्डर है उसी के हिसाब से वन बाय वन घुमाना है और इसको एडजस्ट करना है, लेकिन पुली के मार्क के हिसाब से, अपने अंदाजे से नहीं कि वाल ओवरलैप कर रहे हैं या वाल अभी मतलब एडजस्ट की पोजीशन पे नहीं, पुली के मार्क के हिसाब से। पुली के मार्क के हिसाब से जो जो मार्क आते जाएंगे उसी हिसाब से आप चार्ट के अकॉर्डिंग इसको वन बाय वन एडजस्ट करते रहेंगे। इसका इनटेक का 14, एग्जॉस्ट का 27 है और 120 डिग्री है इसके इंजेक्टर की, नीचे से फुल टाइट करके नीचे से 120 डिग्री लूज़ करना, ये इसका सारा सिस्टम है। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाएँगे इंशाल्लाह। यार का देना बॉक्स दो, ऑटोमेटिक दो।